नाज़रीन आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बहुत अहम फ़ैसले किए हैं और आने वाले वक्त में वो इन फ़ैसलों को अनाउंस भी करेंगे और आप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के फ़ैसले देख के आप हैरान रह जाएंगे। वो फ़ैसले क्या हैं? हमारे ज़राए का दावा है कि इमरान ख़ान काबीना में अपनी जो उनकी काबीना है, उन्होंने जो पहले फ़ैसला किया था कि मैं काबीना पर चेक एंड बैलेंस रखूँगा और काबीना की जो कारकर्दगी है उसको मॉनिटर करूँगा। और उस हवाले से आज क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी इजलास था जिसमें अरकान पार्लियामेंटेरियन ने जो तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली हैं उन्होंने जो वज़रा हैं उनके खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए, बल्कि अरबाब आमिर ने जो रुकन कौमी असम्बली है उन्होंने तो अपनी क्या कहते हैं मसला बताते बताते आप दीदा हो गए और उन्होंने उनका ये कहना था कि वज़रा हमारी बातें नहीं सुनते और हमारे जो जायज़ काम हैं लोगों के जो लोग हमारे पास आते हैं उनके काम भी नहीं होते। इस हवाले से जब वो पार्लिमानी इजलास से उठकर जाने लगे तो वज़ीर आज़म ने उन्हें बुलाकर कहा कि मैं वज़रा की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहा हूँ और जब आप देखेंगे कि मैं जो वज़रा काम नहीं कर रहे उनको मैंने फारिग कर दूँगा और रिशफलिंग करूँगा काबीना में। और आपको ये भी बताते चले कि नूर आलम खान जो रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है उन्होंने जो महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर की और महंगाई का रोना रोया तो उसके भी पार्लिमानी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी में उसको भी डिस्कस किया गया और वज़ीर आज़म ने नूर आलम खान से कहा कि आपको ये मालूम नहीं है कि सबका जो हुक्मरान थे वो मुल्क को बिल्कुल कंगाल करके गए, लूट के गए और जिसकी वजह से डॉलर का रेट भी बढ़ा है। बहरहाल इमरान खान ने वादे तौर पर कहा है कि जो वज़रा काम नहीं करेंगे वो घर जाएंगे और वही वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे जो डिलीवर करेंगे और सही माने अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। आपको ये बताते रहे कि आइंदा चंद दिनों में ये फैसला मुतवक्के है कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो है अपनी काबीना में रिशफल।